हेलो एवरीवन, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में तैयारी करने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है। अगर आप अपने इकोनॉमिक्स के नॉलेज को चेक करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर देखिए। क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये पहला पार्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं और अगले जितने पार्ट आएंगे उनमें उन क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ती जाए। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और पहले आप इनके आंसर सोचिएगा। मैंने तो इनके आंसर देने देने हैं, कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं, आप देखिए इन क्वेश्चंस का और साथ साथ आप इनके आंसर देते जाइएगा अपने तरीके से। पहला क्वेश्चन, हार्ड करेंसी किसको कहते हैं? आपने करेंसी का नाम जरूर सुना होगा, हार्ड करेंसी कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, हूज एक्सटर्नल वैल्यूज इंक्रीज, जिसकी बाहरी वैल्यू इंक्रीज होती है, acquired only with official permission, can be obtained only against sale of gold, which is really acceptable in international transaction. Answer आपने सोच लिया होगा और hard currency इसका answer fourth है, answer D. Hard currency उसको कहते हैं जो international transaction है उसके लिए accept कर ली जाती है। The second question is, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके questions बता रहा हूँ, कम time में आप इन questions को देख सकते हैं। एक मोनोपोलिस्ट है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कहां करता है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एमआर इज इक्वल टू एमसी, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखने में सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं लेकिन एक मोनोपोलिस्ट है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट इज विच इज What is the meaning of term stagflation? आपने नाम सुना होगा शायद, stagflation, गतिहीन मुद्रास्फीति कहते हैं इसको। कौन सा आंसर इसमें होगा? Fall in prices due to less circulation of currency, fall in employment due to declining production, high inflation rate combined with high unemployment and unchanged consumer demand. तीन में से ऑप्शन दे दीजिए आप, कीमतों का गिरना या employment rate है वो उसका गिरना या इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना अनइंप्लॉयमेंट के साथ। तो मैं आपको बता दूं, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन विद अनइंप्लॉयमेंट, कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन देखें जिसमें अनइंप्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन एक साथ आते हैं तो स्टैगफ्लेशन की होती है। 1960 और 70 के डिकेड में स्टैगफ्लेशन आई थी जिसके बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन आती है, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स आती है, आपने शायद ये सब चीजें पढ़ी होगी। द नेक्स्ट इज जीएनपी इज ऑलवेज, चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, जीएनपी हमेशा एनएनपी से कम होती है, जीएनपी हमेशा एनएनपी से ज्यादा होती है, जीएनपी हमेशा एनएनपी के इक्वल होती है या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। सोचिए जरा इसको कि जीएनपी इन चारों में से क्या होती है। देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है, सिंपल सी बात यह है। यानी कोई चीज आपने घटाई है तो एनएनपी आया, इसका मतलब जीएनपी तो ज्यादा था, एनएनपी तो कम होता है ना, सिंपल सा आंसर। तो जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनएनपी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। द फोर फैक्टर पेमेंट्स आर, ये क्वेश्चन तो शायद सबको आता होगा, इसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि चार फैक्टर है उनकी पेमेंट कौन सी होती है। देखिए पता सबको होता है लेकिन कई बार उलझा देते हैं क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन देख के आप कि मनी कैपिटल सैलरीज इनकम, ये भी चार ऑप्शन हो सकते हैं, वेज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये भी चार ऑप्शन हो सकते हैं, मनी पावर प्रेस्टीज वेल्थ, ये भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सबको पता है फोर फैक्टर पेमेंट वेज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ही होती है। ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? एक तरफा भुगतान जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है, हस्तांतरण भुगतान जिनको कहा जाता है। अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वन साइड पेमेंट, लेकिन ये लिखा हुआ कि बैंक लोन को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, या पेमेंट विदाउट वर्क होती है वो ट्रांसफर पेमेंट होती है, टैक्स पेमेंट्स है वो ट्रांसफर पेमेंट होती है, या पेमेंट्स मेड टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक तरफा भुगतान होता है जो बिना काम करे ही दिया जाता है, इसका मतलब पेमेंट विदाउट वर्क की ट्रांसफर पेमेंट होती है। द नेक्स्ट इज टर्म डंपिंग मींस द फॉलोइंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है डंपिंग। बहुत सारी कंट्रीज ट्रेड करने के लिए डंपिंग करती है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जो डंपिंग होती है? हमने डंपिंग का जो मीनिंग पढ़ा होता है डिफरेंट पढ़ा होता है। मैंने कहीं एक क्वेश्चन देखा
उसमें थोड़ा डिफरेंट मीनिंग लिखा होता है, आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, सब स्टैंडर्ड कॉमोडिटी सेल करना, या फॉरेन मार्केट है उसको उसमें अपने प्रोडक्ट को एमसी से भी कम प्राइस पर सेल करना, या फॉरेन मार्केट है उसमें एमसी उसकी इक्वल या और स्मगलिंग करना प्रोडक्ट की, कौन सा होता है। तो वैसे तो हम डंपिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फॉरेन मार्केट है उसमें सस्ता बेचना और डोमेस्टिक मार्केट है उसमें महंगा बेचना, तो फॉरेन मार्केट में कई बार फर्म्स है वो अपनी एमसी से नीचे भी बेचती है, तो यहाँ जो डंपिंग का मीनिंग है तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर टू ऑन द बेसिस ऑफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कौन से बेस को लेकर उसका मेजरमेंट किया जाता है, इंक्रीज इन नॉमिनल जीएनपी, इंक्रीज इन रियल जीएनपी, इंक्रीज इन पर्सनल इनकम्स, इंक्रीज इन गारमेंट रेवेन्यू, चार ऑप्शन ही है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन से है उसको मेजर करना चाहिए, पर्सनल इनकम को करना चाहिए, गारमेंट रेवेन्यू, आंसर आपने सोच लिया होगा, चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर इसका बी है, रियल जीएनपी है उसको मेजर करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको मापने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय, कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन, बहुत सारे एक से गवर्नमेंट के पास तरीके होते हैं जिनकी वजह से वो गवर्नमेंट है वो जिनको लेकर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर सकती है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कौन से तरीके है वो मेजरमेंट करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स का, बढ़ा दें डिमांड, नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन और आ जाएगी, सप्लाई है गुड्स की वो बढ़ा दें, या मनी सप्लाई बढ़ा दें, डिक्रीजिंग टैक्स, टैक्स अगर गवर्नमेंट कम कर देती है तो फिर लोगों के पास परचेज इसका सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा देती है तो फिर परचेजिंग पावर लोगों के पास बढ़ जाती है, तो ये तरीके हैं वो ठीक नहीं है इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स वो इंक्रीज की जा सकती है इन्फ्लेशन उसको कंट्रोल करने के लिए, तो गवर्नमेंट को सप्लाई ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज करनी चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपने नाम सुना होगा एडीबी, कहाँ लोकेटेड है ये, बीजिंग में, टोक्यो में, बैंकॉक में या मनीला में, आंसर आपने सोच लिया होगा शायद, इसका आंसर जो एडीबी है वो मनीला है, उसका हेड ऑफिस मनीला में ये लोकेटेड है, आंसर इसका डी रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मींस, सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसकी वेलोसिटी का मेजरमेंट किया जाता है, वेलोसिटी का मतलब आपको पता होगा, आप जानते हैं इसका मीनिंग अच्छे से कि पैसा वो कितने हाथों में गया उसका मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का क्या ऑप्शन पढ़िए आप, सारे एक जैसे ही है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ मनी मनी चेंजेस, अब ये तो सभी का मीनिंग, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब ये है ना कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस द हैंड्स, तो हैंड्स टू हैंड्स कितनी बार ये हुआ था उसी को वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन डेली, मंथली, एनुअली या चेंज वैल्यू हम क्या देखते होते हैं, अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जब एक जैसे ऑप्शन आ जाते हैं तो वेलोसिटी जब मेजरमेंट की जाती है एनुअली उसका मेजरमेंट किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एनुअली मेजरमेंट उसका किया जाता है। थ्री मेन ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए कौन से मेन ड्राइवर है, कौन से मेन चीजें हैं जो ग्रोथ को इंक्रीज करती है, आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इंप्लॉयमेंट डेफिनेटली इंक्रीज करता है, सेविंग, एक्सपेंडिचर, डेट, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ये भी करता है, और कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग है ये भी करता है, तो सारे ही इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए कि मेन ड्राइवर्स कौन से हैं, और मेन ड्राइवर्स है हम ये कंजप्शन को तो लेंगे, कंजप्शन है वो तो मेन ड्राइवर होता ही होता है, इसका मतलब ए और डी ऑप्शन में से है, इन्वेस्टमेंट भी मेन ड्राइवर होता है इसका मतलब फिर ए और डी ऑप्शन में से है, लेकिन इंप्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जहां इन्वेस्टमेंट की बात आती है सेविंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मेन ड्राइवर्स रहेंगे वो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग रहेंगे मेन ड्राइवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, फॉरेक्स, क्या होता है फॉरेक्स, स्टैंड फॉर फॉरेक्स किसको कहते हैं, चार ऑप्शन आपके पास है, फॉरेक्स का मतलब फॉर एग्जामिन फुल फॉर्म इसकी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सपोर्ट या फॉरेन एक्सपर्ट, सोच लीजिए आंसर, सोच लीजिए फॉरेक्स का मतलब क्या होता है, सोच लिया होगा आपने आंसर, और फॉरेक्स की फुल फॉर्म जो जिस वर्ड के लिए फॉरेक्स यूज किया जाता है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज है उसके लिए फॉरेक्स वर्ड है वो यूज किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज इनकम टू
बिकम मोर अनइक्वल। इनकम को ज्यादा अनइक्वल कौन से बनाते हैं? अगर आप इंप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दें तो इनकम अनइक्वल होती है, या इंक्रीज अनइम्प्लॉयड जो आपको अलोवेंसेस दिए जाते हैं वो अनइक्वल करते हैं, या टैक्सेस ज्यादा लगे। टैक्सेस कौन सा प्रोग्रेसिव लगाए कि रिग्रेसिव लगाए? अब इसमें से आपने क्वेश्चन समझिए, इसको ये बताना है कि इनकम को ज्यादा अनइक्वल कौन करता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। क्या इनकम इंक्रीज होती है तो टैक्स रेट बढ़ती जाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है इनकम इंक्रीज होती है टैक्स रेट घटती जाती है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। तो रिग्रेसिव टैक्स कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है इनकम की इनइक्विलिटी है उसको बढ़ाने का। तो आप ये इसमें कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है आपके पास, ऑप्शन डी है वो रिग्रेसिव टैक्स रहेगा इसका। एंड इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब इक्विलिब्रियम में होती है इकोनॉमी? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और AD is equal to AS। ये तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ इक्विलिब्रियम होती है, लेकिन ऑप्शन देखिए ना, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। प्लांट कंजप्शन एक्सीड्स प्लांट सेविंग, प्लांट कंजप्शन एक्सीड्स प्लांट इन्वेस्टमेंट, एक्सीड्स जहां है अब ये इसके हो और ये, और एक्सीड्स का तो मतलब ही नहीं होता ना, आप एक्सीड्स से उसको तो लेंगे नहीं। Intended investment equal to intended saving or intended investment exceeds intended saving. हमने कहा ना saving is equal to investment, AD is equal to AS। चारों ऑप्शन में कहीं कहीं ऑप्शन छुपा हुआ है। प्रायोजित निवेश, प्रायोजित बचत के बराबर होना चाहिए, तो intended saving equals to intended investment। Quantity of money is doubled, एक आपने थ्योरी सुना होगा quantity theory of money, तो quantity of money is doubled, then according to quantity theory, value of money is, अब ये तो आपको पता है कि जब money supply को, money की quantity को increase किया जाता है, तो money की value गिर जाती है, लेकिन नीचे option देखिए, कितनी गिरती है? Remain constant? No, double, half, या none of above? क्या दो गुनी गिरती है? क्या आधी गिरती है? या none of above? कितनी गिरती है? आप थोड़ा सा इसको सोचिए कि ऐसा कब होता है जब quantity theory के according जब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है तो मनी की वैल्यू है वो, जितनी मनी सप्लाई इंक्रीज की जाएगी उसका हाफ है वो गिर जाता है। कोल इज कंसीडर्ड एज ए, अब कोयला क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, सोशल गुड है, या कैपिटल सिंगल यूज गुड है? कंज्यूमर गुड्स तो नहीं है, सोशल गुड्स भी नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी नहीं हो सकता, कैपिटल सिंगल यूज गुड जिसको एक बार यूज किया जाता है। विच इज द मोस्ट वाइडली यूज टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में? क्लियरिंग हाउस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डिस्काउंट रेट और इश्यूइंग नोट्स। सबसे ज्यादा ओपन मार्केट ऑपरेशंस उनका यूज किया जाता है। सेंट्रल बैंक्स रेट ऑफ लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड, डिस्काउंट रेट कहा जाता है उसको जिस पर कमर्शियल बैंक को दे। बट टेक इधर, व्हेन अ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन इट, क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक क्या करता है जब मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है? सिक्योरिटीज को परचेज करता है, बैंक रेट को कम कर देता है, या डायरेक्ट बैंक्स को कहता है कि लोन ज्यादा देता है उसको, या ए और बी दोनों ऑप्शन है? ज्यादा तो बैंक यूज करेगा, वो सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देता था कि लोगों के पास पैसा चला जाए, बैंक रेट है उसको डाउन कर देगा। तो ए और बी ऑप्शन इसका रहेगा, ए और बी मतलब डी ऑप्शन, ए एंड बी। व्हाट वुड कॉज ए कंट्री एक्सचेंज रेट टू फॉल, एक्सचेंज रेट कब गिरती है? इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट है उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, अगर हमारे एक्सपोर्ट है उनकी डिमांड इंक्रीज हुई फॉर्म में, तो क्या एक्सचेंज रेट गिरेगी? नो। इंक्रीज इनफ्लो ऑफ के पैसा आता जाए, एक्सचेंज रेट गिरेगी? ना। इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स इम्पोर्ट, अगर हमारे हम इम्पोर्ट्स की डिमांड बढ़ा दें तो हमें फॉरेन करेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और फॉरेन करेंसी की अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम ज्यादा पैसा देख के भी उस करेंसी को लेंगे, इसका मतलब हमारे करेंसी है उसकी जो रेट है वो डाउन आ जाती है। आंसर इज बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं आपके सामने, आप इन क्वेश्चंस को, ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो था, ये पूरी सीरीज चलेगी क्वेश्चन आंसर्स की। अगला जो हमारी अगली क्लिप होगी उसमें इन क्वेश्चंस आंसर है उनको डबल कर दिया जाएगा,
और आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो लाए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, ये क्लिप पसंद आई होगी। आप इसको मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ, और अगर आपका कुछ सुझाव है तो आप सुझाव जरूर।